उनकी रिप्लेसमेंट तो कम से कम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कमेंडेबल जॉब जो है वो आपके सामने आए। मैं इसलिए भी आपका मशकूर हूं कि आप ओवरसाइट के लिए मेरी रहनुमाई करते रहेंगे। मीडिया आज रियासत का बहुत बड़ा पिलर बन चुका है, और अगर मीडिया मेरे सारे हरकात पर, मेरी सारी मिनिस्ट्री के हरकात पर, जो एक नेशनल वेल्थ है, उस पर नज़र नहीं रखेगा, मेरी गफलतों की निशानदेही नहीं करेगा, मेरे कैरेक्टर की निशानदेही नहीं करेगा, तो हम इस तबाह हाल रेलवे को कभी भी बेहतर न कर सकेंगे। जिस वक्त से मुझे ये चैलेंजिंग जॉब सौंपी गई, खुदा ताला का शुक्र है, ये चैलेंज मैंने मंजूर किया है, और मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने यूएस के अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने अहल वयाल के लिए बैंक करप्ट कंपनियों को उठाया है, और एक को नहीं कई, तो आपके तावन से, आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम सुन लें कि अब पाकिस्तान रेलवे बदनामी का ज़रिया नहीं, बल्कि इंशाल्लाह ताला ये उनकी खुशबख्ती और एक अच्छा ट्रेडमार्क जो है ये सामने आएगा। मुझसे पहले काफ़ी ऐसे काम हो चुके हैं कि इसके हमने मुख्तलिफ हिस्से कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारे लिए मसला है वो है हमारी सेफ्टी का सबसे बड़ा मसला, इसलिए कि इंसान की जान के ऊपर कतन भी किसी किस्म कोई रियायत नहीं हो सकती। एक इंसान की जान को बचाने के लिए हमने जितने भी अपने वसाइल खर्च करेंगे वो कम है, और इंशाल्लाह ताला ये होंगे। ज़ाहिर है कि मैं लंबी तफसील आपके सामने नहीं बयान कर सकता कि कितने ज़्यादा अनमैंड या मैंड जहाँ पे वनरेबिलिटी हद दर्जे तक थी। मैंने आते ही सूबाई असम्बलियों सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिख दिए हैं, कोर्ट अदलिया इसके ऊपर जो है नज़र रखे हुए है, और आपके इस चैनल के ज़रिए जो है मैं बाकायदा तौर पे अपनी सूबाई हुकूमतों को या दूसरी सूबाई हुकूमतों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो फिर कल आप लीगली भी मॉरली भी कौम और मुल्क के सामने जो है आप इस बात के ज़िम्मेदार हैं। इसके अंदर कतन कोई रियायत नहीं है, और अगर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए आते ही अगर मैंने आपको लेटर नहीं लिखे, आपको वार नहीं किया कि इमरान खान की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो तरजीह है वो है इंसानों की सेफ्टी, उसके बाद जो है मैंने जो फाइनेंशियल प्लान या बिज़नेस प्लान जो है उसको देखा है, और कल भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को मिला, उसके अंदर मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको किस तरह टेप किया जाए। हज़ारों लाखों लोगों को आप डिजिटल ऑटोमेशन के ज़रिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, फिर आप एक छोटी जैसी खूबसूरत फोर्स उसके ज़रिए जो है आप अपनी रेलवे को बेहतरीन रेलवे बना सकते हैं, और दुनिया के मॉडल हैं ये। कोई मैं नया काम करने वाला हूँ, मैं ये कर दूँ, मैं लोगों को निकालने वाला नहीं हूँ, मैं उनको स्किल दूंगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करूँगा, और उनको जो है अगर मेरे पास जगह नहीं होगी तो उनको जो प्राइवेट पार्टनरशिप जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए एक पूरा हमने अलग टीयर कर लिया है कि जो काम हम नहीं कर सकते, यकीनन नहीं कर सकते। हुकूमत रेलवे को चलाने के अंदर जिस कदर आज तक आप देख लें कि तबाही हुई है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें हुकूमत नहीं कर सकती, इसलिए वो काम हम प्राइवेट इंडिविजुअल को, एक्सपर्ट को, एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टमेंट करने वाले को देंगे, ताकि लोगों को रियायत टिकट मिले,
क्लीन एनवायरनमेंट उनको मिले, सफ़र उनका जो है बिल्कुल टाइमली हो कि उनको कम से कम जो आप कल, मुझे शर्म महसूस होती है कि जब मेरा एक पैसेंजर नहीं बल्कि कई पैसेंजर ने, जब मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था तो मुझे कहा कि, और ये आपकी रेलवे है, हम सब की रेलवे है, कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुनस्सर साहब कि आपकी वजह से आज आप हमारी ट्रेन जो है कम से कम 10-15 मिनट पहले आई है। यही मिजाज होना चाहिए। पीआईए इसलिए तबाह हुई कि किसी तरीके से जो है उनके अंदर टाइम का, टाइम जैसी कोई चीज़ नहीं थी उनके अंदर, और भर्ती कर करके जो है हमने उस पीआईए को, जो हमारा एक अजमत का निशान था दुनिया में, मैं जो ट्रेवल करता था जब मैं छोटी उम्र का था, दुनिया जो है उसको देखती थी, लेकिन आज देख लें कि पीआईए को यही हाल जो है वो रेलवे का। इस रेलवे के ट्रेडमार्क को हमने इज्जत का और पाकिस्तान का निशान बनाना होगा। जाहिर है कि आपकी हमदर्दी, आपके तावन के बगैर, आपकी इशात के बगैर, आज मीडिया बड़ा पावरफुल है, उसके बगैर जो है ये कम अज़ कम नामुमकिन। हमारी जो तीसरी प्रायोरिटी ये है कि पैसेंजर ट्रेन की बजाय जो है हम अब फ्रेट की तरफ जो है ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब मैं आमदन की बात कर रहा हूँ, कि अरबों रुपए का हमारा इस वक्त नुकसान है। सबसे पहले जो है इस नुकसान को ज़ाहिर के प्रॉफिट करने में वक़्त लगेगा, ट्रैक नए हो रहे हैं, नई बोगियाँ आ रही है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, इसी तरीके से जो है आपके नए इंजन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं शेख साहब की मौजूदगी में पाइपलाइन के अंदर जो है पड़ चुकी हैं। मुझे खाली और बहुत सारे लीगल काम जो है इस वक्त अदालतों की नज़र हैं, उनको जो है मैंने दूर करना है, अपने अंदर जो है जो बुराई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको जो है मैंने पहले समझना और फिर दूर करना है, और उसके बाद जो है आपकी सबसे जो बड़ी आमदन है क्वालिटी ठीक करने के बाद लोगों को जो रेलवे पे ट्रस्ट है वो लाने के बाद आपकी लैंड होल्डिंग है। उसके लिए बाकायदा तौर पे शेख साहब ने ये काम शुरू किया था, डॉक्टर इशरत हुसैन की मौजूदगी के अंदर जो है उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर जो है बना दिया है, ताकि हमारे जो डीएस हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। इसलिए कि अंदर का आदमी के हाथ काले हैं जिसकी वजह से ये सारा इनक्रोचमेंट हुई है। आपके इस चैनल के ज़रिए जो है मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि न मेरी सोसाइटियाँ हैं, न मैं किसी इनक्रोचर को यह छोड़ूंगा, और ये हमारी ज़ाती प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा जो है ये नेशनल की प्रॉपर्टी है, जिसको इंशाल्लाह ताला हम इंश्योर करेंगे कि उसकी यूटिलिटी भी जो है इस गरीब मुल्क के लोगों के लिए हो। और मुझे इस बात पे कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब इस लास्ट कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के इजलास लास्ट ट्यूज़डे की कैबिनेट के अंदर, जब इमरान ख़ान ने कहा कि आपका और मेरा इम्तिहान का सिर्फ एक बेंचमार्क है, और वो ये कि जब हम हुकूमत से चले जाएंगे तो उस वक़्त हम अपनी असेसमेंट करेंगे, हमारी जब टेन्योर 2023 को ख़त्म होगा और नए इलेक्शन में हम जाएंगे तो हमारी असेसमेंट हम खुद करेंगे कि गरीब तबके को हमने कितना जो है ऊपर उठाया है। इंशाल्लाह ताला रेलवे हमारे ज़रात की, रेलवे हमारी सनत की, रेलवे हमारे टूरिज़्म की एक रीढ़ की हड्डी है, और आपके सामने, और मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी जो अल्फाज हैं, ये मेरे कमिटमेंट हैं, ये मेरे लीडर का वीजन है, इसकी तकमील के लिए इंशाल्लाह ताला जो है मैं कोई वक्त जो है वज़ाया नहीं करूँगा। इसलिए कल आते ही मैं इंशाल्लाह लाहौर तब छोड़ूंगा, कल संडे को भी यहाँ काम कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं सोचूँ, और अपने दिमाग के मुताबिक इसको हमने एक कमर्शियल इंटरप्राइज बनाना है, जिस तरीके से हर आदमी अपने ज़ाती कारोबार को बढ़ाने के लिए उसकी खामियों को दूर करता है, उसके अखराजात को दूर करता है, उसकी बुराइयों को दूर करता है, और फिर मुल्क और कौम के लिए जो है अपने मुनाफे की तरह आता है, इंशाल्लाह ताला इसको मैं उसी डिगर के ऊपर जो है
और जो काम मैं आपको सामने कह रहा हूँ, जो काम मैं खुद नहीं कर सकता, रेलवे के अंदर जो है इस मिनिस्ट्री के अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसको इंशाल्लाह ताला हम आउटसोर्स करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, इवन पुलिस के अंदर जो रेलवे पुलिस है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें जो है हम आउटसोर्स करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है आउटसोर्स करने वाले हैं। ट्रैक्स मुख्तलिफ जो है इंशाल्लाह ताला हम बाहर से कोई अच्छी कंपनियां लेके आ रहे हैं। पहले तो हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर को तरजीह देंगे ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बने, लेकिन अगर एक आध कंपनी भी हमारे पास बाहर से आती है और हमारा वो ट्रैक जो है वो लीज पे रहती है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी खुशकिस्मती होगी। उसकी वजह यह है कि फिर एक कंपटीशन की एक फ़ा जो है हमारे मुल्क के अंदर आ जाएगी और इस रेलवे को जो है हम तबाही के जहाने से बचा कर इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जो है लेके जाएं। मैं आप सबका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप कह रहे हैं कि रेलवे तबाही के दहाने में चला गया है, 140 ट्रेन हादसे रेलवे के साथ पे लटक रहे हैं, इंक्वायरी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन 1 जनवरी से रेलवे इंतजामिया लाहौर से कराची के दरमियान, फैसलाबाद के दरमियान शहरी मार्ग चलती है उसे बंद कर रही है। वो मुनाफा बख्श ट्रेन है, लाहौर के जो ताजर जाते हैं, आप कह रहे हैं ताजर आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, लाहौर से वो वाया फैसलाबाद कराची जाती है उसे यकम से बंद कर रहे हैं, रेलवे उससे कमा रही है उसे बंद कर रही है, तो ये गलत फैसला नहीं है? इसमें मिस्टर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे आपने बहुत सारी चीज़ें, जाहिर है कि मेरी इस वक्त समझ से बाहर है, मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि इसकी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती कि इससे हमें मुनाफा कमाना है। अगर हुकूमत का ये जो फैसला है कि अगर इससे हम और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और ज़्यादा जो है पैसेंजर को हम बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं और ज़्यादा उनकी सहूलत कर सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है प्रॉफिटेबल चीज़ें भी प्राइवेटाइज होती हैं, प्रॉफिटेबल चीज़ें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो है दी जा सकती हैं। इसलिए एक ही पैरामीटर या एक बेंचमार्क नहीं होता कि सिर्फ प्रॉफिट कमा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि क्या अगर हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैन पावर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है वहाँ पे, उससे कम करने के लिए अपना बोझ, मैं मतलब अभी फाइनल फैसला हमने नहीं किया कि इसको बेहतर तौर पे चलाने के लिए जो है हमने क्या, तो अभी जो फाइनल फैसला इंशाल्लाह ताला ये नहीं है, इसको जो है हम देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर बराए रेलवे आज़म खान सवाती मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरक्की के लिए मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे, इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान रेलवे को तरक्की देंगे। उन्होंने कहा कि वसाइल बढ़ेंगे और मुलाजमतों की इस्तादकार में इजाफा किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही, समीना राना और अली जन्नत को न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।